इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। किसी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में जो पहला स्टेप होता है वो सोर्स सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना होता है। सोर्स सेल का क्या मतलब है कि अगर हमारा डिजायर्ड जीन इंसुलिन है, इंसुलिन जीन हमारा डिजायर्ड जीन है, तो ह्यूमन सेल सोर्स सेल हो जाएगी। वहीं पे अगर कोई एंटीबायोटिक जीन हमारा डिजायर्ड जीन है तो बैक्टीरियल सेल हमारी सोर्स सेल हो जाएगी, जिस सेल से हम एंटीबायोटिक जीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो पहला स्टेप है हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो यहाँ पर वो सभी स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे जिन स्टेप्स में हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं सोर्स सेल से। तो सबसे पहले हम सोर्स सेल को डिफरेंट एंजाइम्स से ट्रीट करेंगे। तो अगर हमारी सोर्स सेल बैक्टीरिया है तो इसे हम लाइसोजाइम से ट्रीट करेंगे ताकि उसकी बैक्टीरियल सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाए। और अगर प्लांट सेल हमारी सोर्स सेल है तो उसे सेलुलेज एंजाइम से ट्रीट करके सेलुलोसिक सेल वॉल को डाइजेस्ट करेंगे। और अगर फंजाई हमारी सोर्स सेल है तो उसे काइटिनेज एंजाइम से ट्रीट करके उसकी काइटिन की सेल वॉल को डाइजेस्ट करेंगे। तो अब रह जाएगा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को अब हम किसी डिटर्जेंट से ट्रीट करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर देंगे। और अगर एनिमल सेल हमारी सोर्स सेल है तो हमें ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट ही एनिमल सेल को डिटर्जेंट से ट्रीट करके उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर देंगे। और ऐसे डिसरप्टेड सेल को अब हम और बहुत सारे एंजाइम्स से ट्रीट करेंगे। जैसे हम प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो प्रोटीन कंटेंट ख़त्म हो जाएगा सेल का, और आरएनएज एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो आरएनए डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इस तरह से अब केवल डीएनए रह जाएगा, अनडाइजेस्टेड डीएनए रह जाएगा इस कंटेंट में। अब इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सुपरनेटेंट में केवल ये जो लिक्विड कंपोनेंट होता है इसे सुपरनेटेंट कहते हैं, तो इसमें डीएनए आ जाएगा। और अब इस लिक्विड कंटेंट को हम किसी क्लीन ट्यूब में ट्रांसफर कर लेंगे। और अब इस क्लीन ट्यूब में हम चिल्ड इथेनॉल डालेंगे तो डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जिसको हम किसी भी स्पूल की हेल्प से निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। स्पूलिंग ऑफ डीएनए का वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सोर्स सेल से डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि उस डीएनए को हम एप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करें, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट पूरे डीएनए में नहीं है, हमें उस ह्यूमन डीएनए से केवल इंसुलिन जीन चाहिए। यहाँ पे एप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का भी मतलब बता देते हैं कि हमें ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चुनना है जिसकी रिकॉग्निशन साइट ह्यूमन जीन के बीच में ना आती हो, जो ह्यूमन इंसुलिन जीन है उसके बीच में ना आती हो। क्योंकि अगर इंसुलिन जीन के बीच में अगर किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट आती होगी तो वो वहाँ पे कट लगा देगा और जो इंसुलिन जीन है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा और हमारा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो एप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम ह्यूमन डीएनए को डाइजेस्ट करवाएंगे। एज अ रिजल्ट हमें डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे और उन फ्रेगमेंट्स में से एक फ्रेगमेंट हमारा डिजायर्ड ह्यूमन इंसुलिन जीन होगा। तो अब इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से, इस टेक्निक की हेल्प से सेपरेट करते हैं ताकि हमें अपना डिजायर्ड इंसुलिन जीन मिल सके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक दिखाना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को, जिस डिवाइस को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ करते हैं। आगे प्रेजेंटेशन में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रिंसिपल्स को और ये कैसे वर्क करता है बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस डिवाइस में ये देखिए, ये सैम्पल वेल्स हैं जिसमें हम जो डाइजेस्टेड डीएनए के सैम्पल्स हैं वो डाल देते हैं और इन्हीं सैम्पल्स में से किसी एक सैम्पल में हमारा डिज़ायर्ड इंसुलिन जीन मौजूद होगा। और यहाँ से जब हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं तो वो जो डीएनए है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं वो फ्रेगमेंट्स, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट वो सारे फ्रेगमेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अब इस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स में से हम अपना जो डिजायर्ड जीन है वो चुन लेंगे। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये सारे प्रोसीजर हम किस तरह से कंडक्ट करते हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से कैसे सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर हम बता ही चुके हैं अभी तक कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स के मिक्सचर हैं उनको हम सैंपल वेल्स में लोड कर देते हैं, और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं तो ये डीएनए के सैंपल पॉजिटिव एंड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ एक डायग्राम में हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात दिखाई दे रही है कि जो शॉर्टर डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो पॉजिटिव एंड की तरफ ज़्यादा बढ़ गए हैं, और जो लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पाए हैं और कहीं सैंपल वेल के आसपास ही कलेक्ट हो गए हैं। तो इस डायग्राम से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो डीएनए का साइज है वो गवर्न करता है इन फ्रेगमेंट्स के सेपरेशन को, कि जो जितना ज्यादा छोटा फ्रेगमेंट होगा वो सैंपल वेल से उतना दूर माइग्रेट हो जाएगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, और जो बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो कहीं आसपास ही सैंपल वेल के आसपास ही सेटल हो जाएगा। आगे अभी और हम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अपने स्टूडेंट्स को कि ऐसा क्यों होता है। सीविंग इफेक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट है जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनके सेपरेशन को गवर्न करता है उनके साइज के बेस पर। तो अभी तक हम ये समझ ही चुके हैं कि सैंपल वेल्स में हम ये सैंपल्स को लोड करते हैं, और जब हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो एनोड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इस डायग्राम में देखिए तो ये एग्रोज जेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो दिखा रहा है। तो जो एग्रोज जेल है वो इस तरह से एक पोरस जेल के फॉर्म में होता है, तो बहुत सारे पोर्स होते हैं, और यहाँ पर हमने सैंपल वेल में ये अपना मिक्सचर ऑफ डीएनए हमने जो फ्रेगमेंट्स का जो मिक्सचर है वो लोड कर ही दिया है। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे तो ये साइज के हिसाब से ये डीएनए फ्रेगमेंट्स माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे। तो विजुलाइज कीजिए, एक गुफा है उसमें से जो बल्कि जो ह्यूमन होगा उसको बहुत तकलीफ होगी उस गुफा से निकलने में, जो पतले दुबले होंगे वो फटाफट उस गुफा को टनल को पार कर जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी होता है कि जो छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो उस टनल्स को जो विद इन जो पोर्स बन चुके हैं एग्रोस जेल में, तो उन पोर्स को फटाफट वो उसको पार कर जाते हैं, और एज अ रिजल्ट जो छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जबकि जो बड़े डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका नहीं मिल पाता है, तो वो कहीं सैंपल वेल के आसपास ही कलेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स के साइज गवर्न करते हैं इन डीएनए फ्रेगमेंट्स के सेपरेशन को ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए और एग्रोस जेल दोनों का ही रंग सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद एग्रोस जेल में जो सफ़ेद रंग के जो डीएनए फ्रेगमेंट्स सेटल हो गए हैं तो उनको देखना नामुमकिन है। तो अब हमें स्टेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को स्टेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, और ये हम इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन से करते हैं। और जब इथीडियम ब्रोमाइड से जब हम स्टेन करके उस डीएनए को यूवी रेज में जब हम विजुलाइज करते हैं देखते हैं तो इस तरह के डीएनए फ्रेगमेंट्स हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह की स्टेनिंग की हेल्प से फिर हम उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को विजुलाइज कर पाते हैं। इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन की हेल्प से जब हम अपने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को लोकेट कर लेते हैं तो उस डीएनए फ्रेगमेंट को हम पूरे एग्रोस जेल से केवल उतना एग्रोस का जो पीस एक्सट्रैक्ट करते हैं नाइफ की हेल्प से, जिस एग्रोस पीस पे हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट मौजूद है, तो इस प्रोसेस को हम इल्यूशन कहते हैं। और इल्यूशन ऑफ डीएनए के वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।